अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी एन फैशन जोन। आजकल ना हम सबको छोटी उम्र से ही बालों को कलर करने का शौक है, पर जब भी हेयर कलर की बात आती है तो हमारे दिमाग में वो मार्केट के केमिकल वाले हेयर कलर आते हैं, जो हमारे बालों को कलर तो कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इससे बाल हमारे डैमेज भी हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर पे नेचुरल चीजों से कैसे हेयर कलर को तैयार किया जाता है। ये हेयर कलर वो भी ट्राई कर सकते हैं जिनके स्वेद बाल हैं। इस कलर को बनाने के लिए हमें दो चुकंदर लेने हैं, यानी बीटरूट। सबसे पहले चुकंदर को छील लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर एक पैन में 2 कप पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ाएं, उसे गर्म करें। जब वो गर्म हो जाए तो इसमें बीटरूट के टुकड़े डाल दें और इसको अच्छी तरह से पकाएं और इसको कवर करके रखना है। थोड़ी देर में, यानी तकरीबन 4-5 मिनट में इसको बॉयल करें अच्छी तरीके से। आप देखेंगे कि जो बीटरूट है ना, वो अपना सारा कलर पानी में छोड़ देगा और जो पानी है ना, वो बहुत गाढ़ा और लाल कलर का हो जाएगा। इसी पानी से हम हेयर कलर बनाएंगे। इसके लिए आपको मेहंदी लेनी है, हिना। एक बर्तन में मेहंदी का पैकेट खोल के उसको डाल लें। 100 ग्राम हिना लें आप और इसमें 50 ग्राम जो है ना वो कॉफी डालें। दोनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके जो बीटरूट का पानी बनाया था ना, उसको धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएं, इसमें डालते जाएं। बीटरूट के पानी के साथ इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट बना लेना है। अब इसको अप्लाई नहीं करना है, इसको रात भर के लिए अच्छी तरह से कवर करके रख देना है। आप किसी भी चीज से अच्छी तरह से ढक दें ताकि हवा अंदर ना जाए। इस तरह से इसका कलर और भी गाढ़ा तेज हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब आप इसको ओपन करोगे तो मेहंदी का कलर जो है ना, वो बहुत ही डार्क रेड सा हो जाएगा। इसको ओवर नाइट कवर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इससे बालों को कलर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले बालों को अच्छे से शैम्पू करके क्लीन कर लेना है। और हाँ, बालों पे ये कलर अप्लाई करने से पहले एक चीज का ख्याल रखें कि बालों में कंडीशनर जो है ना शैम्पू के बाद, वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आप सबसे पहले हाथों पे ग्लव्स पहन लें ताकि ये आपके कलर जो है ना, वो हाथों पे ना लगे। फिर धीरे धीरे बालों के सेक्शन लेके ना, उनमें ये कलर अप्लाई करना है। ये हेयर कलर बालों को नेचुरली कलर करने में मदद करेगा। इसमें ना कोई केमिकल है और ना ही कोई नुकसानदेह चीज, बस नेचुरल चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और ये नेचुरल चीजें बालों को कलर करने के साथ साथ गजाइयत भी देंगी, न्यूट्रिशन देंगी। इस हेयर कलर से सफेद बाल भी कलर हो जाते हैं और कलर जो है ना, वो बहुत देर तक रहता है। चाहे आप टीनेज हो, चाहे 40+ हो, किसी भी एज में यूज कर सकते हो। पूरे बालों पे लगाने के बाद 1 घंटे तक बालों को किसी शावर कैप से या किसी भी चीज से कवर करके रख दें। उस दिन आप बालों को ना सिर्फ नॉर्मल पानी से धो लो। मैं तो आपको ये कहूंगी कि उस दिन आप बालों को शैम्पू ना ही करें, बस पानी से बालों को धोकर ना खुशक कर लें। नेक्स्ट डे आप बालों को शैम्पू कर सकते हो। इससे जो हेयर कलर है ना, वो और भी गाढ़ा आपके बालों पे हो जाएगा और बहुत देर तक रहेगा। और आप फिर रिजल्ट देखना, बाल कैसे नेचुरल तरीके से ना कलर हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रेमेडी से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप जरूर इसको ट्राई करके देखें और अगर आपको फायदा मिले तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।